मॉर्निंग एवरीवन, आज हम नई व्यंजन वर्ण प को सीखेंगे। ये प है, प से पतंग, प से पंखा, प से पंख, प से पतंग, प से पंखा, प से पंख। आइए अब हम बोर्ड में देखते हैं प से ये सब चीजें कैसे होते हैं और प को हम कैसे लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ये प है, ये एक कर्व लाइन, इसके साथ स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से स्लीपिंग लाइन। ये कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये प है। प से पौसे क्या क्या होता है? पौसे पतंग, पौसे पंखा, पौसे पंख। अब हम अपनी बुक में पौ को ट्रेस करके लिखेंगे। तो चलिए आइए अब हम अपनी बुक में पौ को ट्रेस करते हैं। अब हम पंख में रंग भरेंगे और नीचे दी हुई पौ को ट्रेस करके लिखकर पूरा करेंगे। ये प, बिल्कुल आसान है। आप लोग आज प को लिखकर कॉपी में भी प्रैक्टिस करिए और प को पढ़िए। प से क्या क्या चीजें होते हैं ये भी जानिए इस वीडियो को देखकर। हम वर्कबुक में सबसे ऊपर आज का डेट लिखेंगे, फिर लिखकर प को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ये प है, प। Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with a summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My son, my love, be waiting for you, my love. My son, my love, be waiting for you. ये देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ। आप लोग भी इस वीडियो को देखकर प को लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इस पेज को ख़त्म होने के बाद हम अपनी कॉपी कैसे रेडी करेंगे ये सीखते हैं। आइए अब हम अपनी कॉपी को रेडी करते हैं। सबसे ऊपर आज का डेट लिखेंगे, यहाँ पे प को ऐसे बड़ी साइज में लिखेंगे और प से पतंगा पतंग का यहाँ पे चित्र बना के रंग भरेंगे और नीचे प को हम लिखेंगे। ये प है। हम जैसे सभी व्यंजन वर्णों को लिखकर प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही इस पेज को भी बनाएंगे और इसमें प को लिखकर पूरा करेंगे।
ये प ऐसे कर्व होके ऊपर से स्टैंडिंग लाइन के साथ जुड़ेगा, फिर ऊपर से स्लिपिंग लाइन डालकर प को हम पूरा करेंगे। बिल्कुल आसान है, आप लोग मेरी तरह लिखकर अपनी पेज को पूरा करके SW ग्रुप में अपलोड कीजिए। तो चलिए आज हम प को लिखकर पूरा करते हैं।